रहे थे कैसे अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबा मीर। आज के वीडियो में आप सबके साथ बड़ी खुशखबरी शेयर करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे मीनाल खान की, तो आपको बताते चलें कि रिसेंटली मीनाल खान के ससुर मोहसिन इकराम की तरफ से इनकी चांद एक तस्वीर को शेयर किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मीनाल खान काफी ज्यादा हेल्दी हो चुकी हैं। और ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि मीनाल खान अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं। इनकी तमाम वीडियोस और तस्वीर को देखने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही कॉमेंट सेक्शन में मीनाल खान के लिए एक अच्छी सी दुआ लाजमी लिखिएगा। तो यहाँ पर आपको बताते चलेंगे, मीनाल खान जो कि पिछले काफी अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री या फिर शोबिज इंडस्ट्री के किसी भी इवेंट में नजर नहीं आती, और शादी के बाद से इन्होंने कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया। मीनाल खान के बारे में यही खबरें सुनने में आ रही थी कि मीनाल खान अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं, लेकिन मीनाल खान ने कोई भी अपनी रिसेंट तस्वीर शेयर नहीं की थी। लेकिन रिसेंटली इनके ससुर की तरफ से जो इनकी तस्वीर शेयर की गई हैं, इनमें देखा जा सकता है कि मीनाल खान काफी ज्यादा हेल्दी और खूबसूरत हो चुकी हैं, और इनके चेहरे पे आने वाला ग्लो इस बात का सबूत है कि वो अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद दिलाते चलें कि इनसे कबल जब इनकी बहन एमन खान अमल को एक्सपेक्ट कर रही थी, तो इन्होंने भी इस न्यूज़ को अपने फैंस से छुपा के रखा था। इसी तरह मीनाल खान ने भी इस बारे में कोई भी बात पर्सनली अपने फैंस के साथ शेयर नहीं की, लेकिन सोर्सेज से ये बात सामने आ चुकी है कि मीनाल खान अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं, और जल्द ही मीनाल खान के बारे में बड़ी खुशखबरी फैंस को सुनने के लिए मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताते चलें कि मीनाल खान के ससुर ने जो तस्वीर शेयर की हैं, इनके कैप्शन में इन्होंने लिखा था हाइडिंग माय टमी, और इनकी इस कैप्शन को देखकर फैंस को ऐसा लग रहा है कि वो मीनाल खान की प्रेगनेंसी की तरफ ही इशारा कर रही हैं। तो आप मीनाल खान की इन नई तस्वीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स के जरिए से बताना ना भूलिएगा। आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।